व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका, कितने छेद हैं सीने में फिर भी गुनगुनाती हैं। प्रॉब्लम हर किसी इंसान की लाइफ में होती है, ऐसा कोई एक सिंगल इंसान आप मुझे बता दो इस धरती पर जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जो आप लोग इस धरती पर सबसे खुश इंसान दिखता है, उस इंसान की लाइफ भी अगर आप लोग उसके नजरिए से जाकर देखेंगे तो उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नजर आएगी। जो अमीर आदमी है, अगर आप उससे जाकर पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आप लोगों को आपसे ज्यादा अपनी प्रॉब्लम बता देगा कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और आप लोगों को जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम लगती है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोगों के सामने एक नया तरीका है, एक नया सोल्यूशन ढूंढने का, अपने आप को एक नए स्टेप पे ले जाने का, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने का, अपने आप में एक नई एनर्जी भरने का, वो तरीका होती है एक प्रॉब्लम, जिसको आप प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम को देखने का आप लोग नजरिया चेंज कर दीजिए तो प्रॉब्लम आप लोगों को एक नई डायरेक्शन देती हुई नजर आएगी, हमेशा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो लाइफ को जीने का आप लोगों का तरीका बदल जाएगा। बस आप लोगों को खुद देखना है कि किस तरीके से आप लोग लाइफ जीना चाहते हैं। तो आज है 27 फेब। नैनो मैगजीन के तहत हम लोग पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस देखेंगे, जो कल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे उनके आंसर देखेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी आप लोगों के सामने नजर आएंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आज का देखते हैं, बड़ा शानदार टॉपिक है और बहुत पुराने टाइम से न्यूज में भी रहता है। टॉपिक का नाम है तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर तापी पाइपलाइन के बारे में पूरी डिटेल के साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग इसको मैप में देख लीजिए, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, और फिर यहाँ पर पाकिस्तान, और फिर यह पहुंचेगी इंडिया में। इंडिया में यह पंजाब में आकर मिलेगी। गैस की पाइपलाइन है, चलती कहां से, स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट होगी तुर्कमेनिस्तान से। तो देखिए चार कंट्री यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। गैस आएगी यहां से और मिलेगी किस किस को, ये अफगानिस्तान को मिलेगी, पाकिस्तान को मिलेगी और इंडिया को मिलेगी। तो तीन कंट्री को यहां पर इससे गैस प्रोवाइड कराई जाएगी। और काफी न्यूज में भी रहती है, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, जो कि आप आज की डेट में आप लोग देखेंगे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इस एरिया में रहती है। कई बार थ्रेट भी दी जाती है यहाँ पर आईएसआई या आईएसआईएस या फिर दूसरे टेररिस्ट तालिबान ग्रुप के द्वारा कि हम इसको कंप्लीट नहीं होने देंगे। तो काफी बात इसके ऊपर होती रहती है, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले आप देख ही चुके हैं चार कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान और इंडिया, चार कंट्री याद रखेगा। और इंडिया में पंजाब में आकर मिल रही है। तापी पाइपलाइन का अगर हम लोग बात करें इसकी लंबाई की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये टोटल 1840 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 1840 किलोमीटर लंबी है। कोस्ट की बात की जा रही है, लगभग $10 बिलियन की इसमें कोस्ट आने वाली है, और ये फंडेड की जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से कनेक्ट करती हुई नजर आएगी, ये पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, ये वाला सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन हो जाता है। तो यहां से निकल के ये आप लोगों को देखने को नजर आएगा साउथ एशिया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर आती हुई नजर आएगी। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है कि किस किस पोर्शन को ये यहां पर कनेक्ट करती है। 10 बिलियन मैंने आप लोगों को बताया यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ए डे, ये आप लोग इसकी यूनिट याद रख सकते हैं। ये इतनी ज्यादा यहाँ पर गैस की मापने की यूनिट है, ये इतनी गैस यहाँ पर देखती हुई नजर आएगी। इसमें से 38% तो इंडिया का हो जाएगा, इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों में बराबर है, इसीलिए दिया जा रहा है। पता चला दोनों में लड़ाई हो जाए तो दोनों को इक्वल प्रोवाइड करा देते हैं। और जो बच गया 14% वो अफगानिस्तान में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा ओरिजन पॉइंट क्या होगा इसका पाइपलाइन का, ये है गैलकेनिस गैस फील्ड, ये आप लोगों को तुर्कमेनिस्तान में नजर आएगा। और ये स्टार्ट करने के लगभग 19 में, कहीं 19 में बोला जाता है और कहीं 20 में बोला जाता है, 19 और 20 के एयरफेयर में, 19 के लास्ट में या फिर 20 के स्टार्टिंग में आप लोग इसको बोल सकते हैं। लाइफ रहने वाले 30 ईयर तक ये यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है। तो देखिए काफी लंबे समय तक यहाँ पर कॉन्टैक्ट हमारे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इसकी वजह से रहेगा। अगर हालात सही रहे तो काफी फायदा पहुंचाने वाली है, और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो चारों कंट्री आप लोग यहां पर याद रखिए कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक पहुंचती है, और कितने यहां पर गैस फील्ड है, किसको कितनी प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ताजमहल हमारी कंट्री में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक इसको माना जाता है। इसमें आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर ताज महोत्सव चल रहा है। ताज महोत्सव एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है, खासकर उसको बताने के लिए और एक टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस इसके ऊपर दिया जा रहा है। ताजमहल आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के आगरा में, बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, और काफी इंटरेस्टिंग आप लोग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी।
पूरा मतलब एक तरीके से इतना शानदार बनाया गया, अगर आप लोग जाएंगे तो आपका मन हो जाएगा, इतना शानदार आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा नजारा, कितनी शानदार कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। खासकर अगर आप लोग इसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर तो बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, मुगल के द्वारा बनाया गया है, शाहजहां के द्वारा। मुमताज महल जो उनकी वाइफ थी उनकी याद में इसको बनाया गया था, और यहाँ पर अभी ताज महोत्सव चल रहा है, ये लास्ट डे है आज, तो इसके बारे में थोड़ी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 10 डे का ये एनुअल फेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर ताज को अच्छे से यहाँ पर दुनिया के सामने रखा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, खासकर आप लोगों को पता होना चाहिए जिस तरीके से बजट आया, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सर्वे है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें पता होना चाहिए। आज की डेट में हमारी कंट्री की इकोनॉमी 2.6 ट्रिलियन है, ठीक है ना, ट्रिलियन डॉलर है 2.6। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जीडीपी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2025 तक। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात करते हुए सुना होगा, हमारी इकोनॉमी को लगभग बनाने की कोशिश की जा रही है 5 ट्रिलियन, ठीक है, इसके डबल करने की बात की जा रही है। तो उसी के ऊपर किस तरीके से वर्क किया जाएगा ये बात की जा रही है, ग्लोबल ट्रेड में भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए। कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब हम सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तीनों को यहां पर अच्छे से फोकस देकर चलेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी में इतना अच्छा यहां पर इंप्रूवमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। बात किसके द्वारा बोली जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दो डिपार्टमेंट आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। आज की डेट में यहां पर हेड है आप कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलता है, और ये है यहां पर सुरेश प्रभु जी। तो ये कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि आज की डेट में हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी है। कोई नॉर्मल भी आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में कहीं पर पूछे तो आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। बैंक में फ्रॉड सुन सुनकर आप भी, आपको भी अब काफी नॉर्मल लगा होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज के डेट में होता जा रहा है। पहले आप लोगों को देखने को मिला मालवीय वाला केस, फिर आप लोगों को नीरव मोदी वाला देखने को मिला, अभी कुछ दिनों पहले उसके कुछ दिनों तब तक हाउ नया ही नया था, आप लोगों को देखने को मिला रोटोमैक पेन वाला केस। अब नया केस और आ गया है यहाँ पर, ये आप लोगों को यूपी में देखने को मिलेगा, संभौली सुगर लिमिटेड का, ठीक है ना, ये एक सुगर लिमिटेड कंपनी है। इसके 3 जगह पर यहाँ पर छापे मारे गए हैं, दिल्ली में, हापुड़ में और नोएडा में। ये भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर फ्रॉड करती हुई नजर आई है, लगभग 109 करोड़ रुपए का घोटाला, वो भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। तो इसके द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए हैं, किस तरीके से ये 2009 से डाइवर्स कर रही थी फंड को एक अलग तरीके से, और उसी के लिए यहाँ पर छापे मारे गए। तो अब आप लोगों को देखने को मिला एक नया घोटाला फिर से निकल कर आया। हालांकि अगर बात की जाए दूसरे घोटालों के साथ में, जैसे 11,500 का था यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला लगभग पीएनबी का, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला जो ये रोटोमैक पान वाला था, ये भी लगभग 3,500 करोड़ का था, पर ये 109 करोड़ का, ये कम है अगर करोड़ के वैसे देखा जाए, अगर नॉर्मली घोटाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लेकिन पैसे ये भी कम नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ घोटाले हो रहे हैं हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान चल रहा है कि किस तरीके से हम अपने किसानों की इनकम डबल कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने की बात की गई है। उसी में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये एक पार्ट है, यहाँ पर आप लोग इसके बारे में जानिएगा, गोबर धन योजना। गोबरधन योजना ये आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी, जिस गोबर को यहाँ पर गलत नजरिए से देखा जाता है उसी को धन बोला गया है। यहाँ पर धन किस लिए बोला गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज की डेट में जो करेंसी है, अगर करेंसी की रोल, करेंसी के नाम पे आप लोग देखेंगे तो एनर्जी को बोला जाता है। मतलब जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर पुराने टाइम में गाय के बारे में बात करें तो गाय को करेंसी के रूप में यूज किया जाता था, आज की डेट में आप कुछ टाइम पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा जो खासकर जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गई, ईरान हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, वहां पर पेट्रोल को करेंसी माना जाता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री में आज की डेट में आप लोग देखते हैं एनर्जी को भी कहीं ना कहीं करेंसी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग एनर्जी को कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि गोबर का किस तरीके से यूज किया जाएगा, जो गोबर होता है उससे गोबर गैस बनाई जाएगी, गैल्वेनाइज करके आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई तरीके से उसका यूज किया जाएगा, सीएनजी गैस में और बायोगैस में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि यहां पर एनर्जी भी साथ साथ में प्रोड्यूस की जा सके, और उसके बाद में इसका स्वच्छ खाद भी यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर रहता है बहुत केमिकल्स रहते हैं उसमें। इसके अलावा आप लोगों को एक नेचुरल कंपोस्ट खाद देखने को मिलेगा, जिसके तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी और ज्यादा अच्छी होती नजर आएगी, हमारी खेती भी और अच्छी होती नजर आएगी, और इस तरीके से हमारी हेल्थ पर भी काफी अच्छा इंपैक्ट इसका पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लीन एनर्जी हमारे सामने रहेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बजट में भी इसके बारे में बात किया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा, कि किस तरीके से यहाँ पर जो गांव में वेस्ट होता है उसको यूज करके बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा और एनर्जी उससे बनाई जाएगी। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा, क्योंकि गांव में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, गांव में क्या, शहरों में भी आप लोग देखें, जहां जिस एरिया में कोई भी इस तरीके से पशु पाए जाते हैं वहां पर सड़कें बहुत ज्यादा गंदी पाई जाएंगी, अगर इस गोबर का ढंग से यूज होएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सड़कें भी आराम से साफ रहेंगी, क्योंकि उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो इस तरीके से बेचा भी जाएगा इसको आराम से आगे आने वाले टाइम में, अगर इसका ढंग से इफेक्टिव यूज होने लगा तो।
तो जिस गोबर को आजकल में गंदगी माना जाता है उसी गोबर को आप लोगों को देखने को मिलेगा, पैसे कमाए जा सकते हैं किसानों के द्वारा या पैसे कमाए जा सकते हैं कोई भी इंसान अगर यहां पर देखने को मिलेगा इस तरीके से, अगर इसका ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है तो। अगर टोटल जानवरों की बात की जाए तो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 30 करोड़ हमारी कंट्री में इस तरीके से जानवर आप लोगों को नजर आएंगे और 30 लाख टन यहां पर गोबर नजर आएगा। अगर उस गोबर को ढंग से यूज किया जाता है तो आप लोगों को काफी इफेक्टिव यहां पर वे एक नजर आएगा। कई बार तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा गांव में इस तरीके से यहां पर इनको जो उपले होते हैं फिर गोसे बोला जाता है इनको, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, यहां पर इनसे खाना भी बनाया जाता है या फिर दूध वगैरह गर्म किया जाता है इनको जलाकर, एक ईंधन का काम ये डायरेक्टली भी करते हैं। अगर यहां पर यूज नहीं होता तो खेतों में खाद का यूज किया जाता है इनसे, और अब आने वाले टाइम में इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा गैस वगैरह या आप लोगों को कोई और इफेक्टिव यूज भी यहां पर इसका नजर आएगा अगर प्रॉपर वे में टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जाएगा तो। तो काफी मांग बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है इन सब चीजों की आगे आने वाले टाइम में अगर ढंग से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ना अमेजन वगैरह या फिर आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, इसी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर ऑनलाइन गोबर को बेचा जाएगा। जी हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा पर लेकिन ये होने वाला है अगर ढंग से इसका इफेक्टिवली यूटिलाइज अगर इसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आया तो गोबर को ऑनलाइन बेचा जाएगा। ऑनलाइन बेचने के बाद में इसको खरीदने वाले रहेंगी कंपनी और कंपनी फ्री से गैस प्रोड्यूस करती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी करें तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें बिना कोई आदमी नहीं रहा गया, यहां पर ये एक एयर व्हीकल देखने को मिलेगा जिसका नाम है रुस्तम 2। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ये यहां पर बनाया गया है डिफेंस के द्वारा। आप लोगों को रुस्तम 1 2009 में देखने को मिला होगा, अब ये रुस्तम 2 आप लोगों के सामने है। तो ये रुस्तम 2 यहां पर काफी अच्छा कारनामा करता हुआ आप लोगों के सामने नजर आएगा और ये तीनों ही फोर्सेस में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों ही प्राइमरी इसके यूजर यहां पर हैं। अगर बात की जाए तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा काफी शानदार तरीके से ये वर्क करता हुआ नजर आएगा हमारी डिफेंस में, डिफेंस फोर्सेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और देखिए इस तरीके से जब ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यहाँ पर DRDO के द्वारा, ठीक है ना। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1955 में इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था, ओके। और देखिए जब भी कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना जो इंडिजिनियसली डेवलप होता है हमारी खुद की कंट्री के द्वारा बनाया जाता है तो वैसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया, हमने किसी से खरीदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है, हमारी कंट्री में जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हम दूसरी कंट्री के ऊपर जो डिपेंड रहा करते थे उन सबसे भी कहीं ना कहीं हमारा पीछा छूटता हुआ नजर आता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणा बुद्धा रेड्डी जी के द्वारा, इनको फर्स्ट मेडल, जी हाँ फर्स्ट मेडल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिम्नास्टिक का, यहाँ पर इनको मिला है वर्ल्ड कप में। तो इस तरीके से इनका नाम तो आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए, यहाँ पर इनको मिला है कौन सा मेडल, यहाँ पर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, पर लेकिन इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आप लोगों को ये नजर आएगा जिम्नास्टिक में, ठीक है ना, जिम्नास्टिक में। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कहां पर हो रही थी ये चैंपियनशिप, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में चैंपियनशिप यहाँ पर चल रही थी और काफी शानदार इन्होंने रोल प्ले किया यहाँ पर अपना, और हैदराबाद की ये रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर गोल्ड गया है वो गया है स्लोवेनिया के हाथों, और यहाँ पर जो ब्रॉन्ज मेडल गया है, जिसके अलावा सिल्वर गया है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ठीक है। नाम याद रखना जरूरी नहीं है ज्यादा, बस इनका नाम जरूर याद रखेगा अरुणा बुद्धा रेड्डी, इनका नाम जरूर याद रखेगा क्योंकि फर्स्ट इंडियन जब यहां पे आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिविजुअल मेडल यहां पर जीता है जिम्नास्टिक में, ओके। नेक्स्ट यहां पर रिवर के बारे में जाते हैं, गोदावरी रिवर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कल हम लोगों ने किस रिवर के बारे में जाना था, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर गोदावरी रिवर के बारे में, इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर यहां पर इसको बोला जाता है गंगा के बाद में, और इसीलिए इसको साउथ की गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा आप लोग इसका नाम जानेंगे। यहां पर सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर ये सोर्स कई बार पूछ ले जाते हैं तो सोर्स आप लोगों से मैचिंग करने के लिए भी आ जाते हैं कि मैच कीजिएगा यहां पर कौन कौन सा सोर्स कहां कहां से है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। तो अगर कोई मैचिंग का क्वेश्चन होता है तो दो चार जो खासकर जो न्यूज में रिवर है उनके आप लोगों को सोर्स पता होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसका सोर्स है यहाँ पर त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है जहां से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब महाराष्ट्र से आप लोगों को ये गोदावरी रिवर यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। गोदावरी से महाराष्ट्र से निकलती हुई नजर आएगी और स्टेट कहां कहां पर जाएगी, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ थोड़ा देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, कर्नाटक एंड पुडुचेरी यनम में, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद में बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी, तो आप लोग थोड़ा याद रखते हैं साउथ इंडिया की ये सबसे बड़ी रिवर है, जिस तरीके से गंगा जो है पूरी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है पर लेकिन साउथ इंडिया में सबसे बड़ी रिवर यही है। और जिस तरीके से जो ऊपर वाली रिवर होती है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर होती है वो एवरग्रीन रिवर होती है क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है किसी सोर्स के ऊपर, वो हमेशा ग्लेशियर जो होते हैं हिमालय रेंज में वहां से अपना पानी उठा के लेके आती है, पर लेकिन जो साउथ इंडिया की रिवर है वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहती है, तो इसलिए इनको एवरग्रीन रिवर नहीं बोला जाता है।
नेक्स्ट ईयर महोत्सव बीत गया, इसके बारे में थोड़ा याद रखते हैं आप लोग यहाँ पर। ये 21 से 22 फरवरी में था, खासकर गांधी जी से रिलेटेड है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा संस्कृति महोत्सव, स्वच्छाग्रह, बापू का कार्यांजलि, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बापू को कार्यांजलि तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये कहां पर हुआ था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाराणसी में हेल्ड हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश से पड़ता है। डेट क्या थी, 21 से यहाँ पर 22 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्वच्छता पर पूरा फोकस था, आप लोगों को पता है स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है हमारी कंट्री में, उसका टारगेट क्या है कि 2019 में 2 अक्टूबर तक, गांधी जी की जयंती तक आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरी कंट्री को ओपन डेफिकेशन जो होता है, जो खुले में शौच होता है, उससे फ्री करने की बात की जा रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आखिर बात क्या की जा रही है, एकेडमिशियन या फिर आर्टिस्ट या फिर आर्टिशियन, राइटर, पोएट, इन्वायरमेंटलिस्ट, कल्चरलिस्ट, सब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, किस तरीके से हम अपनी कंट्री को स्वच्छ बना सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो थोड़ा याद रखिएगा, गांधी जी से कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे नए फैमिली मेंबर जुड़े हैं उनको बता देता हूं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है जो कि शाम को 5 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है, पॉलिटिकल आती है डेली, और यहाँ पर हमारा रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ। तो लेक्चर 76 पर हम लोग आ गए, यहाँ पर आप लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये आप लोगों को लेक्चर जाकर इसका रिवाइज करना है, और जिसने किसी ने अब तक कोई लेक्चर नहीं देखा है, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं लेक्चर, और यहाँ पर टेलीग्राम में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राजस्थान, बाकी न्यूज और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। तो इसका जाकर रिवाइज इसका जरूर कीजिएगा आप लोग। आज की योजना के अंदर यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो योजना पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो कि बैक पेज पर या फिर आगे पीछे कई तरीके इस तरीके आर्टिकल आप लोगों को नजर आएंगे। पहली जो जिक्र किया गया यहाँ पर, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज, जी हाँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये ब्रिज है पूरा, अभी ये बनाया गया था, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लोहित रिवर आप लोग याद रखिएगा, लोहित रिवर ये ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की। मैंने आप लोगों को ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस समझाया था, ट्रिब्यूटरी का मतलब है मान लीजिए गंगा जा रही है, ठीक है, तो जो रिवर यहाँ पर पीछे से आकर जुड़ रही है गंगा में, इनको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर रिवर आकर जुड़ेगी गंगा में, यमुना जुड़ गई, और भी कई बहुत सारी रिवर आप लोगों को पता होगा अलग अलग एरिया से यहाँ पर आकर जुड़ती है, तो ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। पर लेकिन जो रिवर आगे चल के यहाँ से अलग होती है, नजर आती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और खासकर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी आप लोगों को डेल्टा पर नजर आती है, जब जाकर रिवर कहीं पर ओशन में गिरती है तो वहां पर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट यहां पर ये ब्रिज बनाया गया था इस रिवर पर, इसको धौला सदिया के नाम से भी पुकारा जाता है। और दूसरे वर्ड में अगर इसको रेफर किया जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु भी आप लोग इसका याद रख सकते हैं, दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलेगा ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफी डिस्टेंस कम कर देता है दो रीजन के बीच में। कौन से हैं वो दो रीजन, क्या इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उन रीजन का, एक है आसाम और एक है अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है ये ब्रिज, इसलिए भी आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको दे सकते हैं। और यहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, काफी ज्यादा पुराना नहीं है, आप लोग कभी सोचे कि बहुत पुराना है, अभी 10 आप लोगों को देखने को मिला, ओपन किया गया 26 मई 2017 में, अभी लास्ट ईयर इसको ओपन किया गया। कंस्ट्रक्शन जो खत्म हुआ था वो इसका लगभग मार्च के फेर में हुआ था, और जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था 2011 से स्टार्ट किया गया था, तो 2011 से स्टार्ट किया गया था, 2017 में इसको कंप्लीट किया गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा इसके बारे में, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल लेंथ आप लोगों को लगभग 10 किलोमीटर के करीब इसकी नजर आएगी, मतलब 9.15 किलोमीटर, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोहित रिवर जरूर याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और कनेक्ट करती है दो स्टेट को, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, ओके। कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती हैं, खासकर अपना जो रूरल वाला एरिया है, जो हमारा गांव वाला एरिया है, उसको कनेक्ट करने के लिए। उसी में से एक आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर टैलीला, उसी तरीके की यहाँ पर स्कीम है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर खोले जाएंगे, जिसके तरह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है वो यहाँ पर सारी प्रोवाइड कराई जाएगी कम्युनिटी सर्विस सेंटर के द्वारा, ठीक है ना। जो भी लीगल एडवाइस यहाँ पर देनी है, कुछ भी देना है, जो भी मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई पर्सन केस लड़ रहा है तो वहीं से ही जाकर उसको बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी का केस चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में और रहने वाला है कोई दूसरे एरिया में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर
एरिया में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर आराम से उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, विद की हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो थोड़ा याद रखिएगा, कम्युनिटी सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे पंचायत लेवल पर, ताकि लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सके और लोगों को इतनी दूर न जाना पड़े। इनेबल करवाएगा लोगों को डायरेक्ट लॉयर जो वकील होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट कराने की, और कोर्ट के साथ में यहाँ पर सारी सर्विस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मॉनिटर इवैल्यूएशन भी इसी के तरीके से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है यहाँ के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से गाँव को कनेक्ट करने का, और गाँव के साथ में कनेक्ट करने के साथ में जो सर्विसेज, देखिए नॉर्मली एजुकेशन की सर्विस है आज के में ये लेक्चर, बहुत सारे स्टूडेंट हर एक एरिया से स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग देखते हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, और कुछ गांव में भी बैठकर इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट का ये फायदा हो रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर टैली लॉ की बात की जाती है, मतलब किसी को भी यहाँ पर लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, केस कोई चल रहा है कहीं पर उसका, तो उसको सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो भी ऑनलाइन, उसको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी हेल्प यहाँ पर जो रूरल एरिया होता है हमारा, गांव वाला एरिया होता है, उसको हेल्प कराने की बात की जा रही है, जिससे कि सबको जस्टिस मिल सके। और खासकर जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन हमारा सोसाइटी का होता है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस देकर यहाँ पर चला जाएगा, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इसको हेल्प कर रहा है इंप्लीमेंट करने में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, खासकर इस तरीके के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के, जब भी कोई सर्विस ग्राउंड लेवल पर हम लोगों को प्रोवाइड करानी होती है। तो टैली लॉ याद रखिएगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है ये याद रख सकते हैं आप लोग, तो किस लिए स्टार्ट किया जा रहा है वो थोड़ा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नारी शक्ति के बारे में। देखिए कई सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं हमारी कंट्री में, खासकर अगर वुमेन की बात की जाए तो वुमेन के लिए वो स्कीम चलाई जाती है, पर लेकिन वुमेन को पता नहीं रहता है पहली बात तो ये है, और जो पता भी चल जाता है तो उसका ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है। तो आप लोग अगर कोई लेक्चर सुना करें और किसी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताता हूँ, अपने आसपास उसको जरूर अवेयरनेस फैलाया कीजिए। ओके, नारी शक्ति सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है जब प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चे को जन्म देने की बात आती है, तो बहुत जल्दी जन्म देने के बाद भी कुछ दिनों बाद ही, एक डेढ़ महीने या फिर दो महीने मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं, काम पर जाना स्टार्ट कर देती हैं, तो बहुत सारी दिक्कत उससे आती है, खासकर बच्चे को भी और मदर को भी। तो उसके लिए यहाँ पर कंपनसेशन की यहाँ पर स्कीम चलाई जा रही है, ताकि उसको आराम से बच्चों को दूध पिलाया जा सके, क्योंकि स्टार्टिंग के जो छह महीने होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए वो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कम से कम वो रेस्ट ले सके डिलीवरी के डिलीवरी के बाद में, और आराम से अपनी लाइफ को रख सके और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके। तो उसी के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, जो वेज लॉस होती है उसका कैश इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है ना। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या फिर जो फिर लैक्टेटिंग मदर हो गई जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो पीडब्ल्यू एंड एलएम जो भी इन दोनों में आएगा, दोनों के लिए यहां पर ये स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इंप्लॉई हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर आप लोगों को कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी कोई हो यहाँ पर इंप्लॉई, उनके लिए इंप्लीमेंट आप लोगों को होती हुई नजर आएगी, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी नारी शक्ति जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके तहत। आज जो सारे के सारे क्वेश्चन है आप लोगों से, ये पास्ट में मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन उससे हैं, कुछ भी आप लोगों को नया नहीं देखने को मिलेगा अगर आप लोग ढंग से लेक्चर देखकर चल रहे हैं। तो खासकर योजना वाले पोर्शन से मैंने कवर किए हैं। बात की जा रही है फर्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली पीपल, तो उनके लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में जिक्र किया गया है क्वेश्चन के, वहां पर पूछा गया है ई प्राण क्या है ये, तो इसके बारे में पूछा गया है, बताइएगा ढंग से इसको पढ़ने के बाद में। फसल ये यहाँ पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में पढ़िएगा। तीनों स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आई आ सकता है, इन स्कीम्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना है, इन स्कीम्स के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है जाकर, आप लोगों के लिए होमवर्क भी इसको मान सकते हैं आज, ठीक है। तो होमवर्क की तरीके से लीजिएगा इसको, जरूर टाइम दीजिएगा थोड़ा निकाल के, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर जाकर पढ़ेंगे, पांच पांच दस दस मिनट में आप लोगों की तैयार हो जाएगी, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आप लोगों को लगेंगे सारा ये टोटल कवर करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिएगा और थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा, एक एक दो दो पॉइंट लिख के इसके बारे में कब स्टार्ट की गई है, किस चीज से लीड है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दो दो चार चार, तो A4 साइज की एक शीट पर एक साइड में आप लोग सारा ये प्लान बना सकते हैं। ओके, आइए वो क्वेश्चन दिखाता हूं जिनके कल मैंने आप लोगों से पूछा था, उनका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर बात कहता है INS कलावरी, तो इस तरीके आप लोगों के कई सारे नाम आप लोगों के सामने आते हैं, अलग अलग नाम जो यहाँ पर दिए जाते हैं उसके बारे में मैंने पूछा था, ये नाम किसके द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं, तो इस तरीके आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। तो सेपरेट कमेटी यहाँ पर सेटअप की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सेपरेट कमेटी सेटअप की जाती है इस तरीके नाम रखने के लिए, और वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर किसका नाम कैसे रखा जाना है। जिस तरीके से INS कलावरी यहाँ पर डीप सी टाइगर शार्क के नाम पर इसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका नाम यहाँ पर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था फिश लेडर के बारे में, तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग ज्योग्राफी से थोड़ा कनेक्ट रहते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये मैन मेड स्ट्रक्चर एक आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर क्रिटिकल कंजर्वेशन के लिए जो फिश स्पीसीज होती है। मतलब आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई फिश इधर से उधर जाना चाहती है तो इस तरीके से यहाँ पर लेडर बनाया जाता है। इधर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेडर है, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जा रही है। मतलब डैम रहता है इधर, जो डैम की स्ट्रक्चर रहती है, तो किस तरीके से जो फिश है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। वरना बांध आप लोगों ने बड़े बड़े देखे होंगे, उनमें एक साइड में अगर आ जाएगी तो कभी जिंदगी भर दूसरी साइड में नहीं जा पाएगी। तो उस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है ताकि फिश वो है अगर एक एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहे तो वो जा सकती है। तो इस तरीके की लेडर यहाँ पर नजर आती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के यहाँ पर स्ट्रक्चर ये थोड़ा याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात की जाती है मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट्स चेयरमैन, कौन तो मेंबर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब क्या है, दोनों पहले एक साथ हुआ करते थे, फिर इनको अलग बना दिया गया था। और ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं लेक्चर में, अलग अलग दोनों के ऊपर लेक्चर लिए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग किया गया था। अगर अलग क्यों किया गया था, क्योंकि जब आप लोग दोनों को देखेंगे ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएंगे। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ट्राइबल जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो आदिवासी हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी का काम करना है और किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी का काम करना है, दोनों में बहुत बड़ा गैप यहाँ पर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग दोनों के लिए प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्री को अलग किया गया था, ठीक है। दोनों के लिए आप लोग यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर जो कमीशन है उनके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अलग अलग कमीशन बनाए गए थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और मैं इसके ऊपर भी लेक्चर ले चुका हूँ कि अब पिक्चर में आने वाला है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी पिक्चर में जल्दी आने वाला है। हालांकि उसका क्रिटिसिज्म भी काफी किया गया था, पर लेकिन जो है वो सो है, आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में करंट का टॉपिक है इसलिए पता होना चाहिए। सारे लेक्चर्स आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, जाकर आप लोग देखते हैं। सारे लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, बस आप लोगों को रिविजन करना है और कुछ नहीं करना है, रिविजन करते रहिए। और देखिए क्वेश्चन जो डेली पोस्ट करते हैं ना आप लोग, उससे आप लोगों को फायदा उनको जरूर देखने को मिलेगा, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा लगता होगा कि हाँ हम लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आप में रहते होंगे, पर लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूसली अगर एक हफ्ता पोस्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, उसका आंसर देखना पड़ेगा। तो कम से कम और नहीं तो एक क्वेश्चन तो डेली आप लोग ऐसे तैयार हो जाए, कभी किसी भी एग्जाम में आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग उसका आंसर नहीं भूल पाएंगे। तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिए हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा जो दूसरों के द्वारा क्वेश्चन पोस्ट किए गए हैं उनका आंसर जरूर पढ़िएगा। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, और बहुत शानदार यहाँ पर डिस्कशन इस तरीके से हो जाता है। तो एक अच्छा एनवायरमेंट बनाए रखिए, और देखिए कितना जल्दी आप लोग एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। अच्छे से चीजों को करते रहिए, टाइम को वेस्ट जरा भी मत कीजिए, टाइम को जितना ज्यादा हो सकता है उसको इन्वेस्ट ही कीजिए। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया। फर्स्ट डिस्कस किया तापी पाइपलाइन के बारे में, तो कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इस पाइपलाइन के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड आप लोगों को करा रखी है, क्वेश्चन इसी में से ही बन जाएगा घूम फिर कर। किसी भी तरीके से अगर कोई बनाएगा कि कौन कौन सी कंट्री है, किसका कितना कितना शेयर है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, किसके द्वारा फंडेड की जा रही है, कब तक ये चलने वाला प्रोजेक्ट है, कब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, स्टार्ट कब से किया गया था, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको जरूर थोड़ा फोकस देकर चलिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ताज महोत्सव के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर जानने को मिला किसके बारे में, गोवर्धन के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। देखा हम लोगों में कहाँ कहाँ कितना कितने एनिमल है, वो सारी चीजें जानी, कहाँ कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। अनमैंड यहाँ पर कम्बैट एयर व्हीकल रुस्तम 2 के बारे में जाना, किसके द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोगों यहाँ पर जानने को मिला अरुणा बुद्धा रेड्डी के बारे में, इनको मिला है इंडिविजुअल मेडल किसमें, जिम्नास्टिक में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम लोगों ने जाना गोदावरी रिवर के बारे में, कहां से इनोग्रेट होती है, कहां से चलती है, कहां इसका सोर्स है और कहां तक जाकर गिरती है, सब कुछ हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों को संस्कृति महोत्सव जो कि गांधी जी से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, नेक्स्ट है यहाँ पर बिजनेस प्लान जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने की बात की जा रही है, जो कि आज के में 2.6 ट्रिलियन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट सीबीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया 8 जगह पर, यहाँ पर जो कंपनी यूपी में भी पाई गई है जो कि बैंकों को धोखा देती हुई मिली यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग, सुगर मिल से रिलेटेड ये कंपनी थी। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर जानने को मिले ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, और ये क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को आंसर भी बताए, और उसके अलावा कुछ पोर्सन हम लोगों ने इसका योजना का जाना, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। टैली लॉ सर्विस के बारे में जाना, किस तरीके से कौन कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉमन सर्विस सेंटर जिसके थ्रू ये स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला नारी शक्ति के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये
रिविजन करने के लिए भी आप लोगों को बोला, तो थोड़ा इसका भी रिवाइज आप लोग साथ में करते रहिए, तो चीजें आप लोगों की बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, देखिए क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक होकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, और आप लोग यहां पर फेसबुक पर भी चीजों को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को सबको फायदा हो जाए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन या प्लास्टिक कम से कम यूज कीजिए या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।